चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि घोर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ब्रज मंडप परिक्रमा। सो वील कंटिन्यू, यस्टरडे वी स्टेड इन मधुवन, सो इन फ्रॉम मथुरा यस्टरडे वी स्टार्टेड our Vrajamandal Parikrama, we moved from Mathura to Madhuvan. Vrajamandal Parikrama, you all are welcome. Now we will go to Madhuvan ki aur prasthan karenge. Sorry, Madhuvan se Talwan ki aur prasthan karenge. Kal humne Madhuvan ke lila sthaliyon ka darshan kiya. Yesterday we stayed back in Madhuvan. We had darshan of. From Madhuvan is called Talavan. कल के दिन हम मधुवन में थे, अब हम तालवन की ओर प्रस्थान करेंगे. So Madhuvan, village of Madhuvan is called Maholi village, and from Maholi we are going to a village called as Parasi village in the Rajadham. Madhuvan में मधुवन के अंतर्गत हम लोग Maholi गांव में रुके थे, अब हम लोग Tharsi गांव की ओर रवाना होंगे. So one day on the way when they were doing the daily picnic routine, they came to this place called Tharsi village, and the village is very beautiful, where Krishna and his friends, Krishna and Balram with his friends like Sridham, Subala, Stoka Krishna, all were like having their picnic, and where Balram was happily taking rest under a tree, and Krishna was massaging his feet, and his friends were doing chamar and giving him nice comfort. तो इस स्थान की विशेषता ये है कि भगवान कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ साथ यहाँ पे गोचारण के लिए आए, और यहाँ पे अपनी मतलब यहाँ पे अपना रमण कर रहे थे. और इस चीज की, इस स्थान की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे बलराम जी जो है वो विश्राम कर रहे थे, और अपने कृष्ण अपने बाल सखा जैसे सुबला, श्रीदामा और स्तोता कृष्ण के साथ रमण कर रहे थे, और बलराम जी विश्राम कर रहे हैं, और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो है बलराम जी के चरणों को मसाज दे रहे हैं. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम सुबला श्रोत कृष्ण विल से बलराम दे वी हैव वन वेरी नाइस गार्डन, वेरी नाइस गार्डन हियर, दिस कॉल्ड एज वेरी ब्यूटिफुल पाइन ट्रीज आर हियर, एंड वी आर ऑल वेरी वेरी हंग्री, एंड द फ्रूट इज वेरी वेरी रिलिशेबल, so we want to taste that fruits like that they'll say. तो स्थल पर जब पहुंचते हैं तो उनके जो भगवान के मित्र, कृष्ण के मित्र श्रीदाम सुबला ये सब कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है, और पास में यहाँ पे बहुत ही फलदार वृक्ष हैं, और हम यहाँ पे रहकर इन वृक्षों के फलों का स्वाद लेंगे. There is one garden which is protected by Kamsa's friend called Denukasur. और ये इस जगह, ये जो बगीचा था, फलों का बगीचा, ये ताल का बगीचा जो था, ये कंस के एक अधिकारी, एक राक्षस अधिकारी जिसका नाम था धेनुकासुर, उसके उसके द्वारा संरक्षित था. So he is in a form, of a donkey, and all his friends are also in the form of a donkey. They are protecting
दिस गार्डन और दिस ग्रोव व्हाटएवर. और ये बगीचा जो था वो धेनुकासुर जो कि गधा था, गधे के स्वरूप में था, और उसके सारे जो मित्र सखा जो भी थे वो सब गधे थे. गधे के स्वरूप में वो इस बगीचे का संरक्षण करते थे. Every year they will collect the pine fruits for making very sweet wine for Kamsa, and then they will take the fruits from special fruits from here to Mathura for to making the wine for Kamsa. तो ये ताल वृक्ष की खासियत ये थी कि ये जो गधे थे उस गधे ये तारे ताल को इकट्ठा करते थे जिससे कि एक एक मधुर शराब का निर्माण कर सके जिसका आस्वादन कंस करता था. सो कृष्णा एंड बलराम विल से ओके वी विल गो देयर एंड दे विल गो देयर. And what Balram will do, just like that, they both of them will enter into the garden, and Balram will just go start rocking each of the trees. And when he starts rocking, or when he just starts pulling the trees, all the very nice plum, the pines will start falling down, and all his friends will start relishing it. अपने अपने मित्रों की इच्छा को जानकर बलराम जी इस बगीचे में जाते हैं और ताल के पेड़ को झंझोड़ते हैं और उसके उनके हिलाने से जो सारे जो ताल है वो नीचे जो ताल के फल है वो नीचे गिर जाते हैं और सारे मित्र जो है उत्साह पूर्वक उस ताल के फल का आस्वादन करने लगते हैं. And immediately the Dhenukasur in the form of the donkey, very huge size and huge form, he will rush towards Balram and Krishna. और इसकी कोलाहल सुनने के बाद उस वन का जो संरक्षण था संरक्षक करता धेनुकासुर जो कि गधे के स्वरूप में था बहुत ही विशाल स्वरूप और विशाल कद लेकर वो दौड़ता हुआ आता है. एंड इमीडिएटली बलराम विल कैच होल्ड ऑफ द लेग्स बैक लेग्स ऑफ दैट डीमन एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग ऑन द एयर एंड विल जस्ट थ्रू इट ऑन द एयर लाइक एनीथिंग. भगवान उस गधे का पैर पकड़ के उसको जोर जोर से घुमाते हैं और घुमा के उसको आकाश में फेंक देते हैं. And immediately all the other demon friends of this Dhenukasura, they also will start coming and attacking, and both Krishna and Balram will have a very nice joyous time. They will just keep attacking all these donkeys. They will just start throwing, and each of the monkeys will go fly and go on top of each of the trees and fall down. और धेनुकासुर को जब उठा के फेंकने के बाद उसके और गधे के और जो गधे मित्र थे धेनुकासुर के गधे मित्र वो भी कृष्ण और बलराम के ऊपर आक्रमण करते हैं लेकिन कृष्ण और बलराम बड़े ही उत्साह पूर्वक बड़े ही सरलता के साथ सारे राक्षस सारे गधों को घुमा घुमा के फेंकते हैं जो कि आसमान में जाके और फिर पुनः उस ताल वृक्षों पर वो मृत रूप में लटक जाते हैं. फाइनली धेनुकासुर विल बी किल्ड बाय बलराम. और अंततः धेनुकासुर का वध जो है वो बलराम जी के द्वारा होता है. And this village is also called as village, so that is why after that this village came to know as Tarasi village. और इस घटना के बाद इस गांव का नाम तरसी पड़ा. So this leela is to glorify Shri Balram, where Balram killed Dhenukasur. So all this this other side of Yamuna, the some of the main forest is all under the control of Dauji or Balram. तो इस लीला से बलराम जी के शौर्य का गुणगान होता है और इसी कारणवश यमुना नदी के उस पार के बहुत सारे वन हैं उसमें बलराम जी जो है रमण करते हैं और उनका आधिपत्य है. बलराम जी की जय. देन वी विल गो फ्रॉम तारसी विलेज. आफ्टर दैट इन द तारसी विलेज देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कुंड कॉल्ड शंकरसिंह कुंड. तारसी विलेज के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंड भी आता है जिसे हम शंकरसिंह कुंड के नाम से जानते हैं. सो आफ्टर किलिंग धेनुकासुर ऑल द गोपाल कृष्णा बलराम रेस्टेड हियर एंड कुंड वॉज फॉर्म.
so that they can take water and relish here. तो धेनुकासुर का वध करने के पर्यंत बलराम जी कृष्ण और सारे ग्वाल सखा इसी स्थान पर आकर विश्राम करते हैं और उनकी प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का निर्माण किया जाता है जिससे वे अपनी प्यास बुझा सके. So whoever takes water, whoever dips, takes bath in water, they get the bhalam, they get the shakti from Balram, the potency or the spiritual shakti that is required for our spiritual progress. इस कुंड का महात्मा ऐसा है कि इस कुंड में जो कोई भी स्नान करेगा उसे बलराम जी के द्वारा अथाशक्ति बलराम जी उस व्यक्ति को अथाशक्ति प्रदान करेंगे. शंकर शंकर कुंड की जय. सो देयर इज वन नाइस वेरी नाइस ब्यूटीफुल मंदिर फॉर दाऊ जी फॉर बलराम वेर यू कैन सी कृष्णा एंड राधा ऑन द वन साइड एंड बलराम एज एल्डर ब्रदर्स गिविंग दर्शन. तो इस मंदिर के प्रांगण में इस शंकरशन कुंड के निकट ही एक बलराम मंदिर भी स्थापित है जहाँ पे आप बलराम जी की विग्रह देख पाएंगे और उसमें राधा और रेवती जी हैं जिसमें बलराम जी के विग्रह जो है वो प्रमुख है. Then from Talavan we will go to the next village or next one called as Kumudvan. अब हम तालवन से कुमुदवन की ओर प्रस्थान करेंगे. It is also one of the very nice villages where once upon a time 5000 years ago lot of lotus flowers bloom here with lot of ponds and kund. ये गांव भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है. आज से 5000 वर्ष पूर्व इस गांव में एक तालाब हुआ करता था जिसमें बहुत सारे सैकड़ों किस्म के जो कमल के पुष्प हैं वो खिलते थे. So during the spring time Krishna and all the gopis with Radha Rani come here and they have this boat pastimes in the middle of the all the lotus flowers and beautiful swans and other birds. जाड़े के समय कृष्ण और बलराम कृष्ण और राधा रानी यहाँ पे आके नौका विहार करते थे. And there you can take darshan of Radha Krishna, very nice beautiful deities there in Kumudavan. There is a small temple and now most of the ponds or small kund is all gone. We just have one or two ponds only in this place. तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर स्थित है जहाँ पे राधा और कृष्ण के बहुत ही प्रीतम विग्रह हैं. आज के समय आज के दौर में आज के काल में जो जो तालाब वगैरह तालाब थे वो विलुप्त हो चुके हैं. खाली कुछ छोटे छोटे तालाब अभी भी मौजूद है. एंड नियर दिस प्लेस वी हैव व्हेन महाप्रभु हैड हिज ब्रजमंडल दर्शन परिक्रमा ही केम टू दिस प्लेस एंड ही वाज सो ओवरवेल्म्ड विद एस्टेसी. When we saw the Kumudavan place, he just stayed here for some time, and you can see the Mahaprabhu's footprint here. और महाप्रभु अपने ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान इस स्थल पे भी आए थे और कुमुदवन देखकर वो इतने हर्षोल्लास से ग्रस्त हो गए कि बहुत ही उन्माद में हो गए, प्रेम उन्माद में हो गए और आप अब उस जगह पे महाप्रभु के चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं. And here. For many generations, many yugas before Kapila Muni, during the Satya Yuga time also, he did lot of tapasya here. So there is one temple for Kapila Muni. तो कालांतर में इस जगह पे कपिल मुनि ने काफी वर्षों तक गहन सघन तपस्या करी और उनके उस चीज को दर्शाने के लिए यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है. So we can take darshan of Mahaprabhu's footprint and also Kapila Muni's. हम यहाँ पे महाप्रभु के चरण चिन्ह और कपिल मुनि के विग्रहों का दर्शन कर पाएंगे. इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दी कुमुदवन पद्मकुंड. पद्मा मीन्स लोटस फ्लावर एंड स्पेसिफिकली इट इज नाउ रेनोवेटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल कुंड. वी कैन टेक द दर्शन हियर. सो लॉट ऑफ कृष्णा राधा कृष्ण पास्ट टाइम्स आल्सो हैपेंड इन दिस कुंड. अब हम पद्मकुंड के पास आ गए हैं जो कि हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे राधा कृष्ण की लीलाएं भी हुई हैं. एंड दिस कुंड इज आल्सो कॉल्ड एज कुमुदिनी कुंड एंड विहार कुंड. इस कुंड को कुमुदिनी कुंड और विहार कुंड
नाम से भी संबोधित किया जाता है. So we keep going to the parikrama. Next in Kumudavan, one of the biggest ponds in one biggest kund is called Shantanu Kund. अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही विशाल कुंड के पास पहुंचते हैं जिसे शांतनु कुंड भी कहा जाता है. So in this kund, in the middle of this kund, there's one small island in which on top of the hill there is one temple. और इस 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 कुंड के मध्य में एक टापू पर एक मंदिर स्थित है. And this is where Shantanu in the Mahabharata, you know, Shantanu on the way he came here, he did some austerities and penances near this kund. और इसी स्थल पर शांतनु, जो महाभारत काल में शांतनु भीष्म पितामह के जो पिताजी थे, इस स्थल पर आकर उन्होंने तपस्या की थी. And this is where you have to walk in the middle of you have to cross the pond, and there is one island middle, so you have to cross over the bridge and then you can take darshan of Shantanu Bihari. Aap is sthal pe jane ke liye aapko tapu ke madhye se ek tapu ke madhye se hue jana padega aur usko paar karne ke baad aapko ek mandir Shantanu Bihari ke darshan karne ke liye milenge. So this is Shantanu Bihari Krishna Mandir. Shantanu Bihari ki jai. यहाँ पे Shantanu Bihari Krishna है का विग्रह है. आप उसका दर्शन कर पाएंगे स्क्रीन पे अपने. So now we have completed from Madhuvan, we have come to Talavan and then Kumudavan. अब मधुवन से चलकर हम तालवन गए और तालवन से अब कुमुदवन पहुंच गए हैं. So these are all small, small forest and villages where every day Krishna and his Gopa friends and Krishna and all his gopis, they'll just keep going to each of the places daily and have nice pastimes. So we have to relish these small, small vanas and understand the mood of each of them. तो ये जो छोटे छोटे वन है, यहाँ पे भगवान जो है उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की है और यहीं पे भगवान जो है वो विहार करने के लिए भी आते थे. तो हमें इन सारी लीलाओं के बहुत ही इन लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए और इन लीलाओं के बारे में चिंतन और मनन भी करना चाहिए कि किस तरह से भगवान ने अपनी सुंदर लीलाएं इन स्थलों पर प्रकट की थी. नेक्स्ट वी विल गो टू फ्रॉम कुमुदवन वी विल गो टू बहुलावन. कुमुदवन से अब हम बहुलावन की ओर प्रस्थान करेंगे. सो ऑन द वे फ्रॉम कुमुदवन देयर इज अ विलेज कॉल्ड एज गणेशारा ग्राम. कुमुदवन के मार्ग पे ही गणेशारा गांव भी है. So it is on the way to a village called Bhati. ये बती जाने के मार्ग में ये गांव जो है स्थित है. So once upon a time the Brajvasis here grew lot of beautiful, very colorful flowers and when Krishna comes to this village, the Brajvasis will be very happy to see him and every time whenever he comes here they make some kind of scent or some kind of aroma, like some kind of chandan, and they will apply to on his body. It's called yellow clay, which is very, very fragrant. तो ये स्थल पर ब्रजवासियों ने एक बार यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की खेती की और भगवान जब यहाँ पे आते हैं, कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं तो जो सारे ब्रजवासी हैं उन्हें उन फूलों के रस से एक कुछ चंदन का लेप तैयार करते हैं जिससे कृष्ण के शरीर का की लिपाई करते हैं उस चंदन से. Because the Brajvasis are very, very fond of Krishna, so Brajvasis were spread across all the villages. So Krishna will take time whenever he goes for any kind of grazing on one of the forest with his gopas,
he will also make sure he visit the gopas or the, you know, the village vasis, the vrajvasis there in each of the villages. क्योंकि कृष्ण ब्रजवासियों को कृष्ण बहुत ही प्रिय थे, इस वजह से ब्रजवासी जो है पूरे ब्रजमंडल में फैले हुए थे, और भगवान भी जब जब कभी भी वो जब कभी भी गवे चरने जाते थे तो वो हर बार किसी किसी नए गांव में जाते थे, और जब भी वो नए गांव में जाते थे तो ये इस चीज को ध्यान रखते थे कि वहां के जो ब्रजवासी हैं उनसे वो जरूर भेंट करें. And, when we enter after Ganeshara village, there is one nice kund called as Gandharva kund. जब हम गणेशारा गांव से आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही सुंदर कुंड है जिसका नाम है गणेशारा कुंड. So it is a belief by the Brajavasis that the Gandharvas or the celestial gods, musicians, they play beautiful music and dancing. So many times they come here and take bath here and do their music and celestial festival. तो ब्रजवासियों की ऐसी मान्यता है कि स्थल पर जो गंधर्व लोक है, गंधर्व लोक के जो गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले जो भी गण हैं, वो स्थल पर आते हैं और अपने गायन और संगीत का प्रदर्शन करते हैं. And on moving away from this Gandharva kund, there is a village called Khichari village. और इस गांव से आगे निकलने के बाद हम खिचड़ी गांव में पहुंचते हैं. Khichari gaon is the village where Putana was born, and Putana and all his her brothers. और Khichari वो गांव है जहां पे Putana का आविर्भाव हुआ था. So we all know Putana, she was the first demon killed by Krishna when after Krishna was born in the jail, after he was transferred to Gokul, there was a slight suspicion in the mind of Kamsa, and he sent this Putana to kill all the babies born in that particular locality. तो जैसा कि आप सबको पता है, जेल में जन्म लेने के बाद कृष्ण को नंद महाराज जो यशोदा मैया के घर पे स्थानांतरित कर दिया गया था. कंस को इस विषय में कुछ संशय था, तो उसने ऐसी रचना, उसने पूतना के द्वारा ये रचना की, ये व्यू रचा कि उस दौरान जितने भी छोटे बच्चे हैं पूतना सबका जाकर के वध कर देगी. And Putana had brothers like Agasur, Bakasur and all are born from this place. और पूतना के जो काबिल भाई थे उनका नाम था अगासुर, बकासुर इत्यादि. And Khichari means some kind of witch or a female who can fly in the sky. खिचड़ी का अर्थ होता है वो लड़की जो हवा में उड़ पाए. But Krishna blessed her even though he killed her by sucking her breast with poison, but he gave her highest benediction of that motherly position, which is very very important for us to understand. तो हमें पूतना वध लीला से ये बात समझनी चाहिए कि कृष्ण कितने दयालु हैं. पूतना वो स्त्री है जो भगवान को अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी स्तनपान कराने, जिससे वो कृष्ण की हत्या कर सके. फिर भी भगवान की दयालुता देखिए कि भगवान ने पूतना को, जो कि उनको मारने के लिए आई थी, उसे भी वो अपनी धात्री का पद देते हैं. उसके मारने के भाव को ना देखकर उसके मातृत्व का भाव देखते हैं, वात्सल्य का भाव देखते हैं, और उसे वैकुंठ में गोलोक में उसे माँ का स्वरूप देते हैं. And when we go to Gokul, we can have darshan of those places. और जब हम गोकुल जाएंगे तब हम उस स्थल का भी दर्शन करेंगे जहाँ पे पूतना जो है कालकूट विष धारण करके कृष्ण की हत्या करने के लिए आई थी. So that one is called Mahavan. और उस वन का नाम है महावन. So now from Kumudavan we will go to Bahula van, called Bati village, or the village name is called Bati. तो अब हम बहुलावन की ओर प्रस्थान करेंगे और उस गांव का नाम भी Bati गांव है. And here most of the nice pastimes where Srimati Radharani will get the mood of angry and sorrow, and she will come and stay in this kund called as Bahula kund, and Krishna will always come and try to pacify her in this particular place.
ये लीला स्थली भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस लीला स्थली पर राधा रानी जो है वो अपने क्रोध और अपने निराशा का भाव प्रकट करती हैं, और भगवान जो है इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें उन्हें मनाने की कोशिश और प्रयास करते हैं। So this, there is a kund here called as Bahula Kund. इस स्थान पर एक कुंड स्थित है जिसे हम बहुला कुंड नाम से जानते हैं। Now after renovation, they have made a very nice big kund with lot of ghats where we can go and take darshan properly. जीर्णोद्धार के बाद यहाँ पर काफी घाट बनाए गए हैं जिससे इस घाट इस कुंड में जाकर जाना आसान हो जाए। So we all know one very nice pastime where this one very nice mother cow, she will wander into this forest called Bahulavan, and then this well, there will be one tiger which will attack the mother cow, and the mother cow will give assurance that I have a very newborn calf, please give me permission, I will definitely go back, give her milk, and then I will definitely come back and satisfy your hunger. ये वही स्थान है जिसमें एक विख्यात लीला जो आप सभी को ज्ञात होगी हुई थी, जहां पर एक गाय जो है वो चरते हुए इस गोचारण चारण करते हुए इस वन में आती है, और उसी दौरान उसकी भेंट एक शेर से हो जाती है। शेर गाय को मार के खाना चाहता है, लेकिन गाय जो है वो शेर को कहती है कि नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक अभी एक जो मेरा बच्चा है वो उसे मुझे दूध पिलाना है, क्योंकि वो अभी पैदा जिसका अभी जन्म हुआ है, तो मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मैं उसे दूध पिलाकर पुनः आप वापस आऊंगी और आप मुझे आसानी से खा लीजिएगा। And when the cow goes back and gives milk to its calf, and then when it is about to start, then the calf will ask, why are you going? Where are you going? Then the mother cow will say the story that I was about to be attacked by a tiger and I need to go back because I have already promised. But the calf will say, no, you have to stay back. I will go. I'm just a newborn. I don't have to leave because you can leave and then give milk to our the old man who is the owner of the cow. But I can go. So both of them will start arguing like anything. गाय जो है वो जाके अपने बछड़े को दूध पिलाती है और फिर वहां से रवाना होती है। जब गाय चलने लगती है, वापस आने लगती है शेर के पास, तो बछड़ा जो है प्रश्न करता है कि माँ आप कहाँ जा रही हैं? तो गाय पूरा वृतांत जो है कह सुनाती है कि किस तरह से वो शेर ने उसे पकड़ लिया था, फिर शेर ने उसे छोड़ा है दूध पिला के वापस आने के लिए, जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। और बछड़ा जो है उसका प्रतिकार करते हुए कहता है, नहीं, आप ना जाइए, मैं जाता हूँ, मैं तो अभी अभी जन्म लिया हूँ, आप तो दुधारू हैं, तो आप क्योंकि ग्वाला जो है आपके ऊपर आश्रित है, तो आप कैसा करिए कि आप ये जो दूध है आप इस ग्वाले को दीजिए, नहीं तो ग्वाला जो है वो भूखा रह जाएगा। मैं जाता हूँ और मैं शेर को अपने आप को दे दूंगा, जिससे शेर अपनी भूख मिटा सके। Hearing this, the old man who is the owner, he will also feel very sorry. He will say, no, you both stay back. I will go anyway. I am an old person. There is no use for me to live further. I will go and sacrifice myself. So like that, the old man will say. इस वाद विवाद को सुनकर ग्वाला जो है इस वाद विवाद को ग्वाला भी सुन लेता है। ग्वाला कहता है कि नहीं, आप दोनों इस बातचीत को सुनकर ग्वाला व्यथित हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, आप लोग यहीं रहिए और मैं जाता हूँ शेर के पास, जिससे शेर जो है अपनी भूख मिटा सके, क्योंकि मैं वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं निरर्थक हूँ, तो मैं अपने प्राण की आहुति देकर शेर की भूख मिटा दूंगा। So saying like this, all three will go into the cave where this tiger was waiting, and the tiger itself was surprised to see all three of them. और इस तरह से तीनों गाय, बछड़ा और ग्वाला तीनों उस शेर की गुफा में जाते हैं और कंदरा में जाते हैं, और शेर जो है वो भी विस्मित और आश्चर्यचकित हो जाता है। And Krishna will come to know about this, and then he will go inside the cave, and when the tiger sees Krishna, it will see forgiveness and all of them will be saved. और इसकी जानकारी कृष्ण को होती है। कृष्ण जो है उस कंदराओं में जाते हैं और जैसे ही वो शेर कृष्ण के दर्शन करता है, वो क्षमा याचना करने लगता है और फिर वहां से वो निकल जाता है।
दिस इज द सेम प्लेस वेर यू आर सीकिंग दर्शन, दिस इज द प्लेस वेर यू कैन से इन द ब्यूटिफुल लीला हैपेंड एंड द फेमस वगलाष्टमी फेस्टिवल इन राधाकुंड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेम रिमेम्बरेंस ऑफ दिस ऑकेशन ऑन दिस लीला. और इसी स्थान पर वो लीला घटित हुई थी और इसी लीला के उपलक्ष में राधा कुंड में हर वर्ष बहुड़ा अष्टमी होती है जो ही बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है. On that particular day only the Radha Kund appeared. Radha Kund and Shyam Kund appeared on that particular auspicious tithi. और राधा कुंड और श्याम कुंड का जो आविर्भाव है इसी बहुला अष्टमी के दिन हुआ था. And here in this place you can take darshan of Krishna, Krishna in that gwal, in that cowherd boy state, and also the cow and also the tiger, everything you can see here in a kind of a leela depiction. यहाँ पे आप कलाकृतियों में देख सकते हैं उस लीला का पूरा यहाँ पे चित्रांकन हुआ है, किस तरह से गाय भी है, भगवान कृष्ण भी है, ग्वाला और शेर भी है, सारे कुछ का यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रांकन कर विग्रह के रूप में स्थापित कर रखा है. दिस इज द शेर एंड दिस इज द ओल्ड मैन एंड द काउ एंड द काफ. और आप देखेंगे भगवान के पीछे एक शेर की आकृति और बाएं तरफ आप देखेंगे वो बूढ़ा ग्वाला गाय और गाय के बगल में उसका बछड़ा. श्रील प्रभुपाद इज ऑल्सो देयर इन द यस यस सो दिस ऑल दीस थिंग्स आई थिंक कपिल प्रभु वाज आस्किंग सो मोस्ट ऑफ देम व्हिच एवर प्लेसेस वी आर एबल टू रिट्रीव फ्रॉम इस्कॉन वी आर ट्राइंग टू मेंटेन ऑल दीस प्लेसेस. तो इस्कॉन संस्था जो है इन बहुत सारी जगहों का जो जो देखभाल है वो इस्कॉन संस्था के द्वारा किया जाता है. दिस इज आल्सो दिस इज द अल्टर लाइक नो वन ऑफ द अल्टर्स या वी हैव अ मोमेंट वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट. ओके तो आप जो ये जो विग्रह है आप विग्रह देख पा रहे हैं. Yeah, now are you able to see the screen? Yes, Prabhu. Yeah, this is very important screen where we have to understand how Krishna and his family, like Krishna was born in Mathura and he was moved, transferred overnight in Gokul, and they stayed in Gokul till the Damodara Leela. And after Damodara Leela, after the Damodara Leela, Nanda Maharaj and Yashoda and the entire community, they moved from Gokul via Chattikara to Nandakini. तो भगवान जो है मथुरा से गोकुल आए थे, ये सर्व विदित है. गोकुल में भगवान जो है दामोदर लीला 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 तक थे और उसके बाद दामोदर लीला के बाद भगवान जो है छठीकरा होते हुए नंदगांव जाते हैं. गोकुल टू छठीकरा, गोकुल टू नंदगांव, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड छठीकरा. इट इज अ प्लेस लाइक व्हेन वी गो फ्रॉम मथुरा रोड, व्हेन वी टेक अ लेफ्ट ऑन द रमन रेती, दैट प्लेस टुवर्ड्स वृंदावन इज कॉल्ड छठीकरा. Yeah, Deshekar has joined now. So what I was saying is, from Mathura, Krishna was transferred to Gokul, and after the Leela of Damodar Leela, the locals decide that being very near to Mathura, Gokul is near to Mathura, so it is not good, we will go a little far away from Mathura. So like that they will decide, and then the entire Nanda Maharaj and his group and his entire Gopal, everybody, they will go to Nandagaon. So before going to Nandagaon, they will stay in a place called Chattikara. तो भगवान आप सबको विदित है कि किस तरह से कृष्ण को मथुरा से गोकुल स्थानांतरित किया गया था. स्थानांतरित गोकुल चूंकि मथुरा के निकट था इसलिए इस वजह से जो जो ग्वाल ग्वाल थे उन्होंने सोचा कि यहाँ से हमें कहीं दूर जाना चाहिए.
ये सोचकर सारे जो ग्वाल बाल हैं वो छठी करा होते हुए नंदग्राम जाते हैं, लेकिन नंदग्राम जाने से पहले वो लोग इस विहार वन छठीकरा में विश्राम करते हैं. In Chattikara, they lived for a few months and then moved to Nandagaon. Similarly, Srimati Radharani was born in Raval for Vrishabhanu Maharaj and Kirtidham. So from there, they moved to Barsana. So, but before moving to Barsana, they stayed in a place called Basanti, a village. और इसी तरह से राधा रानी जो है, राधा रानी का जो आविर्भाव हुआ था वो रावल नामक गांव में हुआ था. उसी तरह से राधा रानी का जो परिवार था वो भी रावल रावल के रावल से बरसाना जाने के लिए बरसाना में जाके बस गया, लेकिन उसके पहले वो कुछ दिनों बसंती नामक गांव में भी वो लोग रहे. So when Krishna was staying in Chattikara and Srimati Radharani was staying in Basanti, it is a more or less it is in the same line. They both will meet in this one called as Viharavan. Okay. तो भगवान कृष्ण कृष्ण जो थे जब छठीकरा में निवास करते थे और राधा रानी बसंती गांव में, तो दोनों इस विहार वन नामक स्थल पर आके दोनों मिलते थे. So very very nice one which is parallelly situated between Chattikara and Basanti. ये बहुत ही सुंदर वन है जो छठीकरा और बसंती के बीच में है स्थित है. So this is the map. I will just tell you how we have come from Vrindavan. We have come via this dot. Like if you see these dots, we have covered Madhuvan. From Madhuvan, from Vrindavan, we have come via this Mathura, and Mathura to Madhuvan, Madhuvan to Talavan, Talavan to Kumudavan, and Kumudavan we have seen Shantanukum, and we have gone to this Ganesha. The Bahulavan, and then we are going to go towards Tarakund this side. अब हम ये जो मैप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग पहले वृंदावन से निकले, वृंदावन से हम लोग मथुरा आए, मथुरा से हम मधुवन गए, मधुवन से तालवन गए, तालवन से कुमुदवन, कुमुदवन में हमने शांतनु कुंड का दर्शन किया, उसके बाद हम गणेशर आए, गणेशारा आए, वहां से बहुलावन गए, बहुलावन से अब हम छठीकरा होते हुए अब हम राधा कुंड की तरफ जाएंगे. प्रभु गोवर्धन राधा कुंड, अब हम गोवर्धन और राधा कुंड की ओर प्रस्थान करेंगे. So after Basanti, we are going to a village called Mukharaya. अब हम बसंती के बाद हम मुखाराय गांव में जाएंगे. Yeah, before that there's a village called Ral village. This village. और उसके उसके पहले हम राल गांव भी जाएंगे. Yeah, these are all very nice, beautiful villages where we can see, we can feel the sense of all the Brajavasis living here. And our parikrama will go via this Ral village and Mukhara village towards Govardhan Radha Kund. परिक्रमा मार्ग पर ये छोटे छोटे जो गांव हैं वो व्रज की जो असली व्रज की जो वास्तविक छटा है उसको निखार करके बाहर ले आते हैं और इन्हीं गांवों से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. So this Mukhara village is very famous village where Srimati Radha Rani's grandmother stayed. Her mother, grandmother's name was Mukhara. तो ये बुखारा जो गांव है, यहाँ पे राधा रानी की जो दादी थी ये उनका उनका गांव है, उनकी दादी का गांव है. So that is why उनका नाम था मुखारा. Yeah, that is why from Rawal they came to this Basanti village. This Mukhara is near to Basanti village, so they stayed there under her grandmother's place, and then from there they moved to Barsana. तो इस वजह से रावल से वो लोग जो है वो बसंती गांव में आए, फिर अपने दादी माँ के यहाँ पे कुछ दिन रुके और फिर यहाँ से वे बरसाना की ओर प्रस्थान किए. And the photo is bad, but you can take darshan of Srimati Radha Rani, her mother Kirtida and her grandmother Mukhara. There's a small temple there. और इस गांव में एक छोटा सा मंदिर स्थित है जिसमें आप अपने मोबाइल के पटल पे जो दर्शन कर पा रहे हैं उसमें राधा रानी है, राधा रानी की जो माता श्री हैं कीर्तिदा और उनकी जो दादी माँ है मुखारा जी, उनका दर्शन आप कर पा रहे हैं. एंड द वेरी फेमस उत्तर प्रदेश
Charkula dance every year in this Mukhara village is very famous. Every year there's a huge festival where a lot of people will come here to have this Charkula dance, where the dancers will have so much of heavy weight talis, plates filled with lamps, and they do this dancing called Charkula dance. और उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे सबसे प्रचलित चारकुला नृत्य का ये उद्गम स्थल है, और हर वर्ष यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा उत्सव होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें सहभाग लेते हैं और इस चारकुला नृत्य का आनंद उठाते हैं, जिसमें जो नृत्यांगनाएं हैं वो अपने मस्तक पर बहुत ही भारी प्लेट्स में अग्नि लेके नृत्य करती हैं। Every year, lot of tourist crowd come to this Mukhara village and to take part or participate in this festival. So, इस मुखारा गांव में बहुत सारे जो भक्तगण आते हैं और सहभागी होते हैं. We'll stay here tonight, and tomorrow from Mukhara, then we will go towards Govardhan and Radhakund. तो आज की रात्रि हम यहीं मुखारा गांव में विश्राम करेंगे और कल हम गोवर्धन की तरफ प्रस्थान करेंगे. एंड गोवर्धन एंड फ्रॉम गोवर्धन वी हैव टू गो टू द राधाकुंड टाउन, राधाकुंड गांव, और गोवर्धन से फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे राधाकुंड की ओर. टुमारो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, यू हैव टू गियर अप, बिकॉज़ टुमारो फ्रॉम हियर व्हेन वी रीच गोवर्धन वी आर गोइंग टू डू गोवर्धन परिक्रमा. हरी बोल। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग से अनुरोध है कि आप कल की यात्रा जो है वो उसे मिस नहीं करें, क्योंकि कल हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे. अरे तो हरी बोल. तो यहाँ पे हम आज का सत्र जो है वो यहाँ पे यात्रा जो है समाप्त कर रहे हैं, यहाँ पे विश्राम करेंगे. अब आप लोगों से अनुरोध है कि जिस किसी महानुभाव को, माता जी को, प्रभु जी को कोई प्रश्न निराकरण करना है, या किसी चीज की शंका, आशंका, या किसी चीज का निराकरण करना है, तो आप एक एक करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं. तो एक एक करके आप लोग अपने अपने मोबाइल स्क्रीन में हाथ ऊपर करिए, और एक एक जन को हम मौका देंगे प्रश्न का निराकरण करने के लिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग अब ड्रॉप होते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. आई हैव अ क्वेश्चन बट नॉट रिलेटेड टू द टुडेज टॉपिक. प्रभु जी हैज टेकन लेक्चर ऑन डे बिफोर यस्टरडे और मे बी 3-4 डेज बैक रिगार्डिंग दैट कृष्णा इज अ ब्रह्मचारी. देयर वाज अ स्टोरी ऑफ दुर्वासा मुनि एंड लॉर्ड कृष्णा वेयर देयर. सो रिलेटेड दैट आई हैव अ क्वेश्चन. प्रभु जी, हरे कृष्णा. यस प्रभु, गो अहेड. Prabhuji, you said that Krishna is himself is a Atma Ram. So when and we are living souls, we are always trying to please Krishna. But some point of time, I personally feel that when Krishna is himself is a Atma Ram, then there is no need to please him. So how can I remove my that query which runs in my mind, Prabhuji? Can you help me with that? Very nice, very nice. We can understand, like, you know. If in your context you have to see Krishna or Krishna as, for example, for your as your parent, okay, as your father or mother, like you are working or you are not working, or if you are a student, for example, you are still dependent on your father, okay. So the father is not expecting anything out of whatever you are working. Father by himself is able to survive, or he wants to have his enjoyment, he will have. But at the same time, when the son does some anything small, reciprocation, like, you know, which means what, the father will give the love and affection, the father is giving you the protection, the father is giving you all the facilities, the father is giving you all the environment for you to grow in spiritual life, the father is giving you environment for you to grow in your material life. So like that, he is continuously giving everything, irrespective of any reciprocation. Okay.
but the father by himself is always self independent. He does not need specifically any of your requirement. Okay, but at the same time, when you give any small reciprocation, he will be very, very happy, right? For example, if you are a small, if you are in your baby, when the father gives you something, if you ask your mothers, they will say, like when mother gives you food through her hand, sometimes the baby will again take some food and give it back to the mother. Mother will be very, very happy when, you know, instead of giving her food to the child, but when the mother gets it back from the child, mother will be very, very happy. So in the same way, Krishna is also, even though he's an Atma Rama, he's a satisfied person, he is Mahat Santushtaha when he is very, very happy, when somebody gives him back, even though he does not need anything, he is always waiting for us. We have to understand we are all bonded Atmas here, and he is just waiting at the entrance of Vaikuntha or at the entrance of Gokula. Just when this Jivatma will come back, I will just want to hug him, I want to take him back. So he is always in that mood. Only thing is, we have to come out of this material understanding. We have to start serving him. And then when we reach that particular stage, definitely we will be able to also understand and relish the Lord's reciprocation. Yes, Guruji. I am completely satisfied with your answer, Guruji. Thanks, Guruji. Thank you so much. So that, you know, people will think, why should I give it to God? God has got everything. He is simply saying, Patram Pushpam Phalam Toyam. No, he is saying, Yome Bhakta Prayachadi. I want to have that reciprocation. See, in a relationship, if people does not have reciprocation, it is very good. For example, if you are in a simple understanding, you are having a kutta, you are a dog. If the dog doesn't wag its tail or the dog doesn't come near to you, then you don't feel any love for that simple dog itself. So similarly, when we try to establish a relationship with anybody, we need to see that love and affection, or in some way, some kind of loyalty, honesty getting reciprocated. Similarly, when we want to have an understanding that we are all just the servants of the Lord and the Lord is always there and he is there to reciprocate. Only thing is, we have to start, you know, doing our reciprocation. And when we do our reciprocation, Lord is there immediately to give his complete mercy on us. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji, so much. Hare Krishna. You want to turn up now. Arvind Barkama ki jai. Hare Krishna. तो हम लोग ये सेशन यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं. कल आप सब लोग फिर से 8 बजे मिलिए. और कल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे गुरुजी ने बताया गोवर्धन परिक्रमा के बारे में. तो कल हम सब मिलके गोवर्धन परिक्रमा करेंगे. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू. All right.